दोस्तों आज के वीडियो को आगे देखते हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ओप्पो F9 के बारे में। बहुत ही खूबसूरत सा फ़ोन है। ओप्पो F9 की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या जो है इसकी डिटेल्स हैं, तो आज इस वीडियो आगे देख रही हैं। मैं जो इसकी फुल स्पेसिफिकेशन आपके सामने लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ओप्पो F9 के डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें फुल स्क्रीन दी जाती है। अगर हम देखें तो आईफोन एक्स में हमें नॉच देखने को मिलती है, ऊपर एक नॉच देखने को मिलती है। वहाँ पे इन्होंने भी वही चीज़ निकाली, लेकिन इन्होंने फुल चीज़ दे दिया, यानी कि फुल स्क्रीन दे दिया हमें। और वहाँ पर सिर्फ कैमरे के लिए कैमरा दे दिया, जिसकी वजह से वो जो है फुल स्क्रीन तो आ गई है, लेकिन वो जो एक नोच टाइप ही है कैमरा, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। और यहाँ पर बैक साइड में भी हमें काफ़ी जो अच्छा इसका डिज़ाइन देखने को मिलता है ओप्पो F9 का। तो चलिए इसकी स्पेसिफिकेशन हम जान लेते हैं। जो वर्जन होगा वो 8.1 ओरियो का होगा, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन। और इसके बाद में अगर हम बात करें, आपको इसमें क्विक चार्जिंग स्पॉट भी मिलती है, और जो है फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इसमें मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं वेट की बात करूँ तो वो आपको मिल जाएगा 169 ग्राम्स का इसका वेट होगा। उसके अलावा अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.3 इंच की इसकी डिस्प्ले, यानी कि काफ़ी बड़ा है नोट से कंपेयर करता है, यानी कि नोट 9 की इसकी जो स्क्रीन की इंचज़ हैं वहाँ पर इसका जो है साइज़ बिल्कुल सेम ही है तकरीबन। उसके अलावा यहाँ पर फुल HD आप जो है इसकी स्क्रीन की पिक्सल्स हैं, यानी कि फुल HD आप जो इसकी स्क्रीन देख सकते हैं। चिपसेट जो आपको मिलता है वो है MediaTek का हेलियो P60, और वो भी काफ़ी अच्छा है। और आप प्रोसेसर की बात करूँ तो ओक्टा कोर मिलता है आपको 2 GHz पे, और यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ रैम की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपको 4 GB रैम की आपको मिल जाती है। 4 GB रैम काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा इंटरनल मेमोरी आपको मिल जाएगी 64 GB, और आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, मेमोरी कार्ड लगा सकते हो 256 GB तक। इसके अलावा कैमरे की अगर हम बात करें तो आपको जो है बात करूँ कैमरे की, तो यहाँ पर आपको जो है बैक कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको मिल जाएगा 16 MP प्लस 2 MP डुअल कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्राइमरी। और अगर फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो वो आपको मिल जाएगा 25 MP। ये काफ़ी इन्होंने जो है फोकस किया फ्रंट कैमरे में। सेंसर आपको सब किस्म के मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बैटरी की, तो बैटरी आपको मिल जाएगी 3500 mAh की बैटरी, जो कि ठीक है, काफ़ी अच्छी है बैटरी भी, और काफ़ी अच्छा ये जो है ओवरऑल ये फ़ोन है ओप्पो F9। इसकी प्राइस की बात करूँ तो अगर मैं इसकी बात करूँ पाकिस्तान में जो प्राइस अभी जो प्राइस पे लॉन्च हुआ है वो है 40,000। आप जो इसको 40,000 के अंदर ले सकते हो इस फ़ोन को, अगर आप लेना चाहो तो काफ़ी अच्छे मेरे लिहाज से इसको, ठीक ही है। अगर बाकी आपकी मर्जी, अगर आप सेल्फी लवर्स हैं, अगर आप ओप्पो लवर्स हैं तो आप ले सकते हैं इस फोन को, क्योंकि इसका कैमरा फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा है, और 25 MP काफ़ी अच्छा फ्रंट कैमरा है। उसके अलावा अगर हम देखें बैक कैमरा तो ठीक है, बैक कैमरा भी इतना कुछ अच्छा खास हमें नहीं मिलता बैक कैमरा के देखने को। उसके अलावा इसका डिज़ाइन हम देखें तो काफ़ी अच्छा है, और स्पेसिफिकेशन देखें, स्क्रीन देखें तो काफ़ी बड़ी है स्क्रीन, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये फ़ोन। लेकिन अगर आप सेल्फी लवर्स हैं तो आप ये फ़ोन ले सकते हो। वैसे अगर मैं सेल्फी लवर नहीं है तो आपने एक अच्छा फ़ोन लेना है तो आप जो है कोई और फ़ोन दे सकते हो, ओप्पो की ओप्पो आप ना देखें तो अच्छा है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।